नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? होप्सो मज़े में होंगे। तो आज मैं फिर एक बार ले चलता हूँ आपको पालक के खेत की तरफ, जहाँ हमने पालक की बिजाई की थी। तो मैंने आपके सामने पालक की बिजाई की थी, पालक के साग की। तो मैंने आपको बताया था कैसे जो लाइन वाइज जो है पालक के साग की बिजाई की जाती है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी बताई थी कि कैसे जो बिजाई की जाती है, कैसे बेड तैयार किया जाता है, कैसे और मतलब इसका बीज डाला जाता है। तो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। तो आज जो पालक कटाई के काबिल जो हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों, इसके प्लांट जो है कटाई के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं पूरा मतलब प्लॉट जो है मैक्सिमम कटाई के लिए तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो इसको इसकी जो है कटाई करेंगे। अभी तो मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अभी कुछ और काम कर रहा हूँ। तो यहाँ जो ये पालक की हमने यहाँ 8 पेड़ जो पालक के लगाए थे, तो मैंने आपके सामने बिल्कुल लाइव जो है ने बिजाई की थी कि कैसे जो पालक के साग की बिजाई की जाती है, कितने बाई कितने स्पेस दिया जाता है, किस कितने बाई कितने लाइन टू लाइन, कितने बाई कितने बेड टू बेड जो स्पेस दिया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी बताई थी। तो आज जो है ये देखते हैं पालक के प्लांट जो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। अभी मार्केट में पालक जो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो प्राइस भी अच्छे हैं, रेट भी अच्छे हैं। इससे जो है हमें जो है काफ़ी इनकम जो है अच्छी इनकम प्राप्त हो जाएगी पालक की, पालक से। बीच बीच में घास भी लगा निकालना पड़ता है, घास भी छोटा छोटा। तो ये देख सकते हैं ये देसी पालक है, बिल्कुल नेचुरल दोस्तों, नेचुरल पालक है। देसी पालक तो कांटेदार होता है, मगर ये देसी किस्म से तैयार पालक, तो बीज तो लोहरी पालक है, इसको लोहरी पालक बोलते हैं, मगर इसको हमने देसी तरीके से तैयार किया और बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल इसमें जो है गोबर खाद डाली हुई है, गोबर खाद के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल साग है। एक इस पालक के साथ एक ओहरे का प्लांट भी आ गया बीच में, कितना अच्छा जो प्लांट ओहरे का साग का जर्मेट और कितनी ग्रो है, एकदम हाइट पकड़ गया। तो देख सकते हैं ये पालक का बिल्कुल हमारा प्लॉट, ये कटाई के लिए तैयार हो चुका है। तो अभी इसकी कटाई करेंगे। कुछ एक प्लांट में जो ये जर्मिनेशन नहीं हुई, यहाँ जो लावार इसको तैयार थे उन्होंने इसको जो है मतलब ऐसे तितर बितर कर दिया था बीज इसका, कुछ चींटियों ने खा लिया। तो इसकी वजह से यहाँ जो कुछ दो बेड में जो है इसकी प्लांटेशन मतलब जर्मिनेशन नहीं हुई, उसकी सोइंग नहीं हुई बिल्कुल टोटल। तो ये देख सकते हैं ये इसकी बिजाई हमने की थी पिछले मंथ में, जो इसकी बिजाई की थी अभी सितंबर के स्टार्टिंग में बिजाई की थी। तो सितंबर जो अभी ख़त्म होने को, तो अब ये बिल्कुल साग जो तैयार हो चुका है। बीच में इसकी थोड़ी मेहनत कम हुई क्योंकि ना इसको ज़्यादा पानी पुनी देने में टाइम नहीं लगा, बीच में मक्की का काम पड़ा था तो मक्की की कटाई वगैरह कर रहे थे, तो इसमें इसलिए 5-7 दिन जो हफ्ता दिन वहाँ स्पेंड हो गया हमारा। इस वजह से इसकी थोड़ी इसको अपने हालात पर छोड़ दिया था। अगर इसको टाइमली पानी वगैरह देते होते तो आज को इसका मतलब कटाई करके मतलब दूसरी बार तैयार होने स्टार्ट हो जाना था। बीच में हमने इसको जो है अपने हालात में छोड़ दिया था, ना इसको ज़्यादा पानी दिया। इसको पानी जितना पानी दोगे उतना जो है ग्रो करेगा, उतना हाइक करेगा, उतना जो है इसका नाजुक पत्ता जो है उतना नाजुक रहेगा और उतना तैयार होगा, तैयार जल्दी होगा। तो इसलिए हमने इसको बीच में पानी भी कम कर दिया, और पानी कम करने की वजह से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप इसमें जो पत्ते हल्के हल्के जो सूखने भी स्टार्ट हो चुके थे। तो अभी मैं इसको जो डेली शाम को फुहार लगा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। तो बीच में मैंने स्प्रिंकलर छोड़ा था, अभी ये मिनी स्प्रिंकलर रखा है मैंने, ये तो इसको छोड़ा था अभी, तो कंप्लीट कर दिया मैंने इसको पानी देने से। तो इस कुछ है कि ये यहाँ भी पानी दे दिया। तो अब इसकी कटाई करेंगे, कल या परसों तक इसकी कटाई करेंगे, जैसे टाइम निकलता तो इसकी कटाई करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे जो इसकी कटाई की जाती है, चाकू से दाठी से कैसे जो पालक के साग की कटाई की जाती है। तो वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा पूरी जानकारी। तो आप वीडियो जो लगातार वीडियो में बने रहें, आप कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल यूट्यूब में सर्च करें, नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल, और कृषि से संबंधित जो है अनेकों जानकारी वहाँ से एकत्रित कर सकते हैं आप, जो कृषि के गुरु यहाँ से जो है चैनल से यूट्यूब पे नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल से जो सर्च करके आप वहाँ कृषि से अनेकों जो सब्जियों के जो है बारे में सीख सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आप कुछ मतलब पता नहीं लगे कि कब इसका सोइंग का टाइम होता है, कब इसके जो है कटाई का टाइम होता है, कब कौन से सेशन में कौन सी मतलब चीज़ लगाई, कौन सी सब्ज़ी लगाई जाती है, तो अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा, पूरी जानकारी बताऊँगा वीडियो के माध्यम से कमेंट द्वारा ही रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी मेरे साथ जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कृषि से संबंधित जो है जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा
ये है मेरा फार्म, किसी सब्जियों का फार्म ही कह सकते थे। मतलब इसमें जो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैरायटियाँ लगाई हुई है। अभी धनिया, आगे मिर्ची भी लगी हुई है, थोड़े बैंगन भी लगे हुए, कचालू भी लगे हैं। तो यहाँ धनिया भी तैयार हो रहा है, धनिया, ये पालक, आगे फ्रांस बीन्स, आगे ओहरे का साग, आगे मूली है, सलगम है, फिर आगे फिर जाके साग है। तो आगे मक्की की जो हमने कटाई कर दी, वो घास लगाया मैंने, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह की अगर आप और वीडियो चाहते तो कमेंट सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें।